तो मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आज ही हमारा पार्ट 3 है, अभी तक हम सी टेट यूपी टेट वगैरह की हम क्या कर रहे हैं, ईवीएस और जीके जीएस साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है पर्यावरण अध्ययन जिसे बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस, इससे हर पेपर में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जैसा कि रोज़ कर रहे हैं तो आज का भी शुरुआत करते हैं। 21वां 10 क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट के अंदर और याद कर लेंगे एकदम, ठीक है, जो कि दोबारा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ना हो। 21वां कर रहे हैं, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मेन स्रोत क्या होगा, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा या सूरज। आपको ही पता है हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है, तो एक ही जना देता है जिसे क्या बोलते हैं, अपना सूरज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पढ़िए ध्यान से, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। सूर्य का सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटोन छोटी छोटी प्रकाशीय तरंग पेटिका के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा या सूरज जी की एनर्जी, ये मेन सोर्स है अपने अपने मतलब जीवन में ऊर्जा का, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, जैसे धरती का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, ठीक है। वैसे टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये है शनि का, ठीक है। सौर मंडल का में शनि का आकार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि के 62 उपग्रह और धरती का चंद्रमा, ठीक है। टाइटन यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांस, एनसीलाडू, टेटिस, डियान, रिया, हाइपेरियस, ईपा, टेटस और फोबो है, मतलब बहुत सारे 62 है, तो कितने सारे होंगे। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना, बुध भगवान याद रखो, किसी से मुंह नहीं रखते थे, और शुक्र, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बोलेंगे बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, शनि के हैं और वरुण के हैं, ठीक है। शनि के 62 है, 62 याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है, बायोडीजल की फसल कौन सी है, आलू, गन्ना, कपास, जैट्रोफा, तो आंसर इसका जैट्रोफा होगा, ठीक है। याद रखना, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सी टेट का तो बहुत फेवरेट, तो एच टेट का बहुत फेवरेट है, मतलब यूपी टेट में भी आता ही आता है, ठीक है। जैट्रोफा बायोडीजल की फसल यह भारत की अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीज में से 25-30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है, तथा जो विशेष बचता है उसे बिजली पैदा की जाती है। जैट्रोफा अनाविष्ट रोधी सदाबहार झाड़ी है, मतलब पूरे 12 के 12 महीने उगती है। ये कठिन परिस्थितियों में झेलने में सक्षम है, मतलब ये पानी आ जाए, बरसात आ जाए, सूखा ही पड़ जाए तब भी चल जाता है, एक रह रहा है ना इसमें। अगला वाला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ 1986 में पारित। ऐसे ही मैं पूछ लूँ कि टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ, तो 1972 में, बात करी नहीं थी कल करी थी ना, नहीं 73 में, सॉरी, ठीक है। ऐसे ही एलिफेंट वाला 1982 में, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ये ऊपर का ये पढ़ लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानवाधिकार पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकमैन सम्मेलन में हुआ। इससे प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। 1986 में क्या हो गया, भारत में अधिनियम पारित हुआ, जिसका क्या उद्देश्य था कि पर्यावरण को बचा के रखना है, नदी, पेड़ पौधे, फूल, जिन्हें प्राकृतिक चीज़ें, समझ आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रण करना है, मतलब जिन्हें भी प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है, इस अधिनियम, और कम से कम करना है। 26 धाराएं, मतलब 1986 के अधिनियम में कितनी है, 26 धाराएं हैं, धारा 26, ठीक है। 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया, ठीक है, याद रखना 19 नवंबर 1986 को।
भूमंडलीय ताप का वृद्धि करने का कारण क्या है? हिमनदों का विकास, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण क्या होता है? जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, मतलब धरती पे जो ताप है ना उसको बढ़ा रही है, गर्मी को धरती की। ठीक है, धरती पर विनाशक गैस बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। ठीक है, धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इसे भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल का स्तर बढ़ता है, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियों का अधिक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको देखो, ये पर्यावरण अध्ययन पेपर दिसंबर 2016 का है, 2016 में आया हुआ है, ये 2016 में एग्ज़ाम में है, इसको देखे नौकरी लग जाती है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना बायोम में? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अपने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में। किसमें? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में क्या पाई जाती है अपनी? यही सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन का मतलब है कि इसमें 12 के 12 महीने बारिश आती रहती है और सदाबहार रहते हैं, खिले रहते हैं फूल पत्ते और पेड़ वेड़ सब मजेदार। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। देखो, भूमध्य रेखा ये धरती, ठीक है, और बीच में भूमध्य रेखा, इससे इधर और इससे इधर जो पाए जाते हैं ना वही होते हैं। ठीक है, ये और एशिया ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व जीव निधि बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है। उन्हें विस्तृत सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है? तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। देखिए, जिसमें ओजोन परत होगी वही रोकेगा। ठीक है, तो समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरणें तो पता होनी चाहिए आपको, ये पृथ्वी है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ऊपर सूरज है, सूरज की जिससे जो रोशनी आ रही है ना उसमें पराबैंगनी किरणें होती है जो नुकसानदायक होती है। तो ऊपर ही हमारा क्या पड़ता है? समताप मंडल। इस तरफ क्या पड़ता है? समताप मंडल, उसमें होती है ओजोन परत, वो इन किरणों को रोकती है और छान के भेजती है छन्नी की तरह, जिससे हमें नुकसान कम होता है। ठीक है, इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये समताप मंडल में होती है। यह परत सूर्य के आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99 मात्रा को अवशोषित करती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होता है। ओजोन परत की खोज 1913 में ई फ्रांस के भौतिकवादी फेरबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है भाई, आशा कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा भाई आपको। अब देखो, गंगा एक्शन प्लान, मुझे ना, मुझे, मैं खुद आया हूँ ना, मुझे किसी ने बुलाया मुझे, मैं तो गंगा माँ का पुत्र हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। ठीक है मोदी जी अपना, चलो ठीक है, जो भी है भाई, कमेंट नहीं करूँगा। ठीक, सुनो भाई, अब देखो, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना, नदी प्रदूषण को कम करना और 1985 में राजीव गांधी गंगा द्वारा योजना GAP, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं इसको, GAP, गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर विफल रहा। तब इतनी गंदगी है तो क्यों पैसा खर्च करा? और अभी जब से 2014 में मोदी जी हैं तब से ही बोल रखा सफाई होगी, अभी तक पता नहीं कर ली कहाँ सफाई हुई है भाई, चिड़ना मत, बस बता रहा हूँ सच्चाई। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा पेड़ होता है वो जो क्या होता है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, जिनसे क्या होता है? जैविक कीटनाशक उत्पादक होते हैं। ठीक है, उत्पादन होता है नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इसका आंसर है नीम। नीम जानते हो कितना कड़वा होता है। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक, मतलब कि क्या होता है, जो जीव होते हैं ना, छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, वो नीम के पेड़ पर आते हैं, इस वजह से, क्योंकि नीम कड़वी होती है। ठीक है, इसका वास्तविक नाम
एज़ा डिराटिका इंडिका है नाम की, नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है, त्वचा विकार रहित कातिवान होता है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल के लेप से सभी प्रकार के चर्म रोग और घाव का निवारण होता है। इसलिए बोला गया मेरे भैया, जीवन में जितनी भी चीज़ कड़वी है ना, कड़वी वो तुमको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी, तो बस तुम समझ नहीं पाते, तुम मीठे के पास ही भागते हो पीछे पीछे। इसलिए बोल जाए मेहनत करो, कड़वी है बेशक से दर्द देगी, लेकिन अंत में तुम्हें कामयाबी देगी, तुम ही वन होगे, जीतोगे तुम, ठीक है। और अंत में तुम्हारी होगी नौकरी है, जो भी जीवन में करना चाहते हो, नौकरी करना ज़रूरी नहीं लेकिन तब भी, ठीक है, समझ आ रहा है। बस आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। 10 सवाल करेंगे केवल, लेकिन 10 वो याद कर लेंगे, समझ आया। जैसे कि अभी मैं पूछूँ बायोडीजल कौन से पेड़ से आता था, तो जेट्रोफा, याद है ना, अभी पीछे पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे हम करते रहेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना प्लीज़ मेरे दोस्तों, तुम्हारी शेयर करने की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं दूसरी बना पाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, प्लीज़ नौकरी लो अपनी।